हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो इन लास्ट लेक्चर वी आर स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज द नेम यूनिट नंबर 4 प्रोडक्शन लाइन. सो टुडे वी कंटिन्यू दैट अवर प्रीवियस टॉपिक्स. सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द वेरियस कंटेंट्स आर प्रेजेंट इन द चैप्टर. सो देर इज अ 4 कंटेंट्स दैट इज नेम इज लिमिट स्पीड्स एंड टॉलरेंस, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस, जेंडर बिल्डिंग सिम्बॉल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरफेस टफनेस. ओके, in that aspect we introduce the first content, that is the what are the various necessary conditions for the production drawing in required in the industrial streets, or what are the various concepts related with the production drawing. We also discuss various some definitions like nominal size, what is meant by basic size, actual size, deviations. In deviation there are two types, that is the first is the upper deviations, lower deviations, what is the actual deviations, allowances, what is the necessary requirement of allowances, limit systems. Okay, so today we start our new topic, that name is fits. We will discuss what is mean by fits. So when two parts are to be assembled, the relations resulting from the difference between the size before assembly is called the fit. क्योंकि बेसिकली क्या आते हैं, अगर एक नट है और एक बोल्ट है, ठीक है, नट बोल्ट तो आपको पता ही होगा ना. मान के चलो कि एक बोल्ट है और एक नट है. अभी अगर नट के ऊपर बोल्ट के ऊपर अगर आपको अभी अगर नट फिट करना होगा तो ज़रूरी नहीं कि हर साइज़ का नट उसके ऊपर फिट ही होगा. मतलब अगर आप में अगर होल और शाफ्ट की साइज़ अगर सेम भी रखी तो भी चांसेस है कि उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आने वाला है. तो बिफोर असेंबली अगर आप उसको चेक करते हो तो मतलब एक तो वो टाइट होगा, एकदम परफेक्ट फिट होगा, या फिर लूज़ होगा. तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम फिट बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, फिट. इसकी और एक डेफिनेशन से, इट इज़ द डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस बिटवीन द टू मेटिंग पार्ट्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. एक तो वो टाइट होगा या फिर लूज़ होगा. जो नट बोल्ट की असेंबली है आपकी, एक तो टाइट होगी या फिर लूज़ होगी. उसको हम क्या बोलते हैं, फिट्स बोलते हैं. अब इसके बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन टाइप्स आते हैं, ठीक है. देखते हैं कि तीन टाइप इसके क्या क्या है. सबसे पहले आता है उसका क्लियरेंस फिट. अभी क्लियरेंस फिट आएंगे क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द होल एंड शार्प बिफोर असेंबली. इन दिस टाइप ऑफ फिट द लार्जेस्ट परमिसिबल शार्प डायमीटर इज स्मॉलर देन द स्मॉल साइज ऑफ होल एंड द शार्प कैन रोटेट और स्लाइड इजिली. मतलब क्या होता है कि अभी मान के चलो कि जो आपका जो शार्प्ट है, शाफ्ट के डायमीटर होल के डायमीटर से क्या होगी, इसमें छोटी होगी, ठीक है. अगर शाफ्ट के डायमीटर होल के डायमीटर से अगर छोटी है तो उसका हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस फिट बोलते हैं. तब क्या होगा, जो शाफ्ट है वो इजीली स्लाइड होगा या फिर रोटेट होगा, ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस फिट बोलते हैं. अभी जो सेकंड है इसको ही कंटिन्यू कर लेते हैं. द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज ऑफ अ होल एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज ऑफ शाफ्ट इज कॉल्ड द मैक्सिमम क्लियरेंस. अभी मान के चलो कि होल की साइज मैक्सिमम है और शाफ्ट की साइज मिनिमम है, तब जो क्लियरेंस प्रोड्यूस होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक है. सिमिलरली इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज ऑफ द होल एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज शाफ्ट इज द मिनिमम क्लियरेंस. और अगर होल की साइज कम है और शाफ्ट की साइज ज़्यादा है तो तब कौन सा क्लियरेंस तैयार होता है, मिनिमम क्लियरेंस होता है. अभी देखो यहाँ पे, अभी मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट कितना है, 29.90, ठीक है. और उसके बाद होल की साइज़ कितनी है, तो होल की साइज मैक्सिमम शार्प टॉलरेंस कितना है, अभी 29.85. अभी मैक्सिमम क्लियरेंस जाएगा, ठीक है. और अभी मेन डायमीटर ऑफ शार्प है 29.85. अभी होल की साइज़ क्या है, 30, ठीक है. अगर 30 का होल है, 29.90 का अगर शार्प है, तो यहाँ पे कौन सा क्लियरेंस तैयार होगा, मैक्सिमम क्लियरेंस प्रोड्यूस होगा. ये देखो, ये क्लियरेंस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. लेकिन अल्टरनेट में अभी अगर हमने देखा कि अगर जो ये है अपना, क्या बोलेंगे उसको, मैक्सिमम क्लियरेंस दिया इसने, है ना, और मिनिमम क्लियरेंस यहाँ पे प्रोड्यूस होगा. यहाँ पे कौन सा प्रोड्यूस होगा, मिनिमम क्लियरेंस होगा. यहाँ पे देखो, ये होल और शाफ्ट यहाँ पे मीट कर रही, लेकिन यहाँ पे वो अलग अलग हो रहा है, ठीक है. तो पहला टाइप है आपका क्लियरेंस फिट, यानी कि अगर शाफ्ट और होल के बीच में अगर जगह रहती होगी तो उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस फिट. सेकंड आता है इंटरफेरेंस फिट. अभी इंटरफेरेंस फिट क्या होता है,
In this type of feed, the minimum permissible shaft diameter is greater than the maximum permissible hole diameter. यानी कि शाफ्ट के डायमीटर की साइज होल के डायमीटर की साइज से कैसे रहती है, ज़्यादा रहती है. इन दिस केस द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द होल एंड साइज शाफ्ट इज नेगेटिव. तो इनमें जो डिफरेंस की वैल्यू है, ये वहाँ पे क्या होती थी, पॉजिटिव और नेगेटिव होती थी, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव रहती है. द नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज ऑफ द शाफ्ट एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज ऑफ होल इज नोन एज मैक्सिमम इंटरफेरेंस. इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम इंटरफेरेंस बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे भी देखो, अभी इंटरफेरेंस में क्या होगा, शाफ्ट और होल की साइज सेम है, लेकिन यहाँ पे शाफ्ट की साइज कैसे होल से ग्रेटर है. प्रीवियस लेक्चर में देखो, यहाँ पे होल की साइज ज़्यादा थी, शाफ्ट की साइज कम थी. यहाँ पे शाफ्ट की साइज ज़्यादा है, होल की साइज कम है. ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट. और ट्रांजिशन फिट, अभी ट्रांजिशन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ फिट द लार्जेस्ट परमिसिबल होल डायमीटर इज ग्रेटर दैन द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द होल, बट द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द होल इज स्मॉलर दैन द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द शाफ्ट. इन दिस केस द साइज लिमिट ऑफ द होल एंड शाफ्ट आर सिलेक्टेड सच दैट एट द क्लियरेंस और इंटरफेरेंस में ऑफर डिपेंडिंग ऑन द नेचुरल साइज ऑफ द पार्ट. मतलब ट्रांजिशन में क्या होता है, मतलब होल की डायमीटर भी बड़ी रह सकती है या फिर शाफ्ट की डायमीटर भी बड़ी रह सकती है. सो इसमें बेसिकली दोनों कंडीशन आते हैं, शाफ्ट और होल की पैरेलली हम दोनों कंडीशन लेते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन फिट. अभी होल बेसिस सिस्टम क्या होता है और शाफ्ट बेसिस सिस्टम क्या होता है. देखो, होल बेसिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम द साइज ऑफ द शाफ्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द सब्ट्रैक्टिंग द अलाउंसेस फ्रॉम द बेसिक साइज ऑफ द होल. दिस गिव्स द डिजाइन ऑफ द शाफ्ट. टॉलरेंस आर द अप्लाइड टू ईच पार्ट सेपरेटली. इन दिस सिस्टम द लोअर डिवीजन ऑफ द होल इज जीरो. द लेटेस्ट सिंबल फॉर द सिचुएशन इज द होल बेसिस सिस्टम इज प्रेफर इन मोस्ट केसेस सिंस स्टैंडर्ड टूल्स लाइक ड्रिल्स, रिमर्स, ब्रशेस एक्सेट्रा आर यूज फॉर मेकिंग अ होल. मतलब इसमें क्या आता है, होल बेसिस सिस्टम में हम होल की साइज कांस्टेंट रखते हैं. ठीक है, होल की साइज कैसे रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन जो शाफ्ट है उसके शाफ्ट की साइज हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली चेंज करेंगे. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, होल बेसिस सिस्टम. सेकेंड आता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम. इन दिस सिस्टम द साइज ऑफ द होल इज ऑप्टिम बाई एडिंग द अलाउंसेस टू द बेसिक साइज ऑफ द शाफ्ट. दिस गिव द डिजाइन साइज फॉर द होल. टॉलरेंस आर द अप्लाई टू ईच पार्ट. इन दिस सिस्टम द अपर डिवीजन ऑफ द शाफ्ट इज जीरो. द लेटेस्ट सिंबल फॉर द सिचुएशन इज एच. मतलब इसमें हम क्या करते हैं, अभी शाफ्ट की साइज हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट रखते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं शाफ्ट बेसिस सिस्टम. The shaft basis system is preferred by industries using semi-finished shafting or raw material. Example, textile industries where spindle or seams are used as a cold finish shafting. ये देखो यहाँ पे, अभी ये शाफ्ट है. ठीक है, एग्जाम्पल टेकन फ्रॉम द शाफ्ट बेसिस सिस्टम. या फिर देखो, शाफ्ट को हमने कॉन्स्टेंट रखा है और होल की साइज हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट कॉन्स्टेंट रहता है, होल चेंज होता है. और होल बेसिस सिस्टम में होल कॉन्स्टेंट रहता है और शाफ्ट चेंज होता है. यहाँ पे देखो, होल की साइज हमने कांस्टेंट रखी है और शाफ्ट की साइज हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो नाम में ये शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट कांस्टेंट रहता है और होल चेंज होता है. होल बेसिस सिस्टम में होल कांस्टेंट रहता है और शाफ्ट चेंज होता है. ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट है फंडामेंटल टॉलरेंस. सो टॉलरेंस इज डिनोटेड बाय टू सिम्बल्स, अ लेटर सिम्बल एंड अ नंबर सिम्बल्स. द टॉलरेंस को हम दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एक तो नंबर से या फिर सिंबल से. यहाँ पे देखो, ये सिंबल्स गिवन है, सिंबल दिए आपको यहाँ पे. तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, एक ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस का टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस के बारे में और जो सिंबल्स है, बिल्डिंग सिंबल्स, तो इसका मैं नेक्स्ट क्लास के लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, थैंक यू.